आज नहीं बचेगा तू। अंकश, ये देखो, मैं तुम्हें अपना नया डॉल हाउस दिखाने लाई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, है ना प्यारा? मुझे ये मम्मी ने गिफ्ट किया है। बहुत प्यारा है, लेकिन बहुत खाली खाली है। हाँ, तुमने सही कहा। काश मेरे पास छोटा सा फर्नीचर होता तो मैं अपना डॉल हाउस डेकोरेट करती। तुझे तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। अरे, ये डॉल हाउस अपने आप कैसे हिल रहा है? तो तुम छोटे फर्नीचर के बारे में कह रही थी ना? ऐसा हो सकता है। सचमुच? कैसे? चलो सैटेलाइट बाबा के पास। ये अंकुश और रेनू यहाँ क्या कर रहे हैं? बस लगता है अपने दिमाग का स्वरूप टाइट करवाने आया है। चलो चलकर देखते हैं। हाँ, तुम सही जगह आए हो अंकुश। मैं अभी मेरी श्रिंकिंग मशीन से तुम्हारे डॉल हाउस के लिए फर्नीचर बना दूंगा। हाँ? ये हाँ? देखो। हाँ? अभी देखो मेरा कमाल। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अब उस टेबल की बारी। अरे उस चिड़िया को छोटा नहीं करना था। चलो उसे बड़ा बनाते हैं। अरे मुझे लगता है थोड़ा कलर भी होना चाहिए। मैं कलर का सामान लेके आता हूँ, तब तक तुम फर्नीचर अंदर रखो। चलो खुद पे ट्राई करें। अरे वाह, मजा आ गया। ये दोनों छोटे और बड़े कैसे हो रहे हैं? लगता है ये सैटेलाइट बाबा का कोई गैजेट यूज कर रहा है। अंकुश, आप थोड़ी देर के लिए छोटी होकर इस डॉल हाउस के अंदर खेलें क्या? हाँ, ये बहुत मजेदार होगा। चलो छोटे बनते हैं। बस आप इसका क्या करोगे? हम बस देखते जाओ। ये तो रंगा है और उसके हाथ में रेणु का डॉल हाउस। कुछ तो गड़बड़ है। अंकुश, कहाँ हो तुम? अंकुश, अंकुश, रेणु, लगता है ये दोनों डॉल हाउस लेकर घर चले गए। अरे ये मेरी श्रिंकिंग मशीन का रिमोट कहाँ गया? श्रिंकिंग मशीन का रिमोट? लगता है अंकुश खतरे में है। मुझे कुछ करना होगा। अब देखो मजा, अंकुश और रेनू बंद। अंकुश और रेनू हमेशा डॉल हाउस में ही रहेंगे। तो ये डॉल हाउस लेके आया? अंकुश अब डॉल हाउस में रहेगा? कुछ भी, कहाँ है डॉल हाउस? बस डॉल हाउस को नदी के पास वाले पेड़ पर लटका दिया है। क्या, नदी के पास? अरे वाह, अब मजा आएगा उस अंकुश के बच्चे को। तुम्हें अभी मजा चकाता हूँ। हाँ।
परेशान हो रही होगी। हाँ हमें घर चलना चाहिए रेनू। हमको न कोई रोके न कोई टोके। हमको से इतना छोटा कैसे हो गया? क्या हो रहा है? हम यहाँ पेड़ पे कैसे पहुँच गए? और सैटेलाइट बाबा की मशीन कहाँ है? हम बड़े कैसे होंगे अंकुश? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन तुम घबराओ मत रेनू, मैं कुछ करता हूँ। देखो वो कितना क्यूट भर है, चलो उसे पकड़ते हैं और उसको अपना घर बनाते हैं। मेरे दोस्तों का है, इसे पहले हमने ढूंढा है, इसका मतलब ये हमारा है। अरे जाओ जाओ, बॉस को गुस्सा मत दिलाओ। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। बजरंगी थैंक यू, अच्छा हुआ तुम आ गए। अंकुश तुम इतने छोटे कैसे हुए? हम लोग उनकी गन से खेलते खेलते खुद को छोटा कर लिया, पर हमको समझ नहीं आ रहा है हम यहाँ कैसे आ गए। यहाँ तुम रंगा के वजह से आए हो, चलो रंगा के पास, क्योंकि मशीन का रिमोट उसी के पास है। पर पहले मशीन तो ढूंढे। हमने उसे नदी किनारे पेड़ पे टांग दिया, अभी तो वो वहीं टंगा रहेगा। अब इस रिमोट को तोड़ देता हूँ ताकि वो हमेशा के लिए छोटा ही रहे। ये क्या हो रहा है? आप ऐसे क्यों लगे हुए हो? अंकुश हम वापस बड़े बन गए। हाँ रेनू, लेकिन हम रंगा के यहाँ कैसे आ गए? मुझे लगता है हवा से उड़ते उड़ते आ गए। अब इसको क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है।